नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोना पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे जिले सहित महानगर का भी हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जिला सहकारी बैंक के CBS एवं कंप्यूटरीकरण का सहकारिता विभाग मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने किया शुभारंभ। पीपीगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का CEO कैंपियर गज ने किया खुलासा, कहा अवैध संबंध बना हत्या का कारण। राज्य सरकार से रोडवेज कर्मियों का हुआ समझौता, रविवार के मध्यरात्रि से चक्का जाम का फैसला लिया वापस। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के संबंध में आयोजित हुई एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। सहकारिता मंत्री ने किया PCF एवं PCU के अधिकारियों के साथ बैठक, कहा गेहूं खरीद में बिचौलियों की है नो एंट्री। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ, बुद्ध के विचारों पर की गई चर्चा। अखिल भारतीय सहकार भारती के तृतीय प्रदेश अधिवेशन में पहुंचे सहकारिता विभाग के मंत्री, बताई सहकार भारती की विशेषताएं। स्थानीय मैरिज हॉल में हुआ सवर्ण समाज का सम्मेलन, बुद्धिजीवियों ने रखे आरक्षण पर अपने अपने विचार। नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों ने दिमागी बुखार नौ की बीमारी से बचाव के लिए चलाया जन जागरण अभियान, निकाली मोटरसाइकिल रैली। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, अभ्यर्थियों ने कहा प्रश्न पत्र रहा स्तरीय। चिलुआताल थाना क्षेत्र में शनिवार को रामपुर में हुई युवक के हत्या, आरोपियों के करीब पहुंची पुलिस, CEO कैंपियरगंज ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। और जिला फुटबॉल संघ की बैठक में आगामी सत्र में आयोजित होने वाले फुटबॉल लीग मैच के सफल आयोजन की बनाई गई रणनीति। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने रविवार को जिला सहकारी बैंक के कंप्यूटरीकरण CBS का उद्घाटन माउस को क्लिक करके किया। इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता विभाग मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि बैंक का मतलब होता है विश्वास। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि जब उनको आवश्यकता होगी उनका पैसा उन्हें मिल जाए, और पूरी दुनिया सहकारिता की ओर देख रही है। विकास के लिए सहकारिता की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें जिला सहकारी बैंकों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा। 16 में से 9 जिला सहकारी बैंक लोगों को ऑनलाइन डिमांड पैसा उपलब्ध करा रही है, शेष बैंकों में भी यह सुविधा जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में यह प्रयास होगा कि जब चाहे तब पैसा मिल जाए, इस स्थिति पर जिला सहकारी बैंक को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज CBS का होना आधुनिकता की आवश्यकता है, इससे पारदर्शिता के साथ लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि CBS हो जाने से लोग अपना पैसा किसी भी बैंक में भेज सकते हैं अथवा मंगवा सकते हैं, ATM की सुविधा मिलने पर ऑनलाइन बैंकिंग कर पाएंगे, लेन देन पर SMS के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया, सरकारी सतरंग प्यारा झंडा उचारे हमारा।
को नवीन बैंकिंग की सुविधाएं होती हैं, सीबीएस की सुविधाएं होती हैं, उसको उपलब्ध है, उसके उनसे आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का जब यहाँ पे पूरी तरह से पालन होगा तो जो बैंक के खाता धारक हैं वो किसी भी शाखा से अपने नगद जमा और नगद भुगतान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं सर, और किसी भी दूसरे बैंक से पैसा मंगा सकते हैं सर। ये सुविधा भी इस बैंक में बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। एसएमएस अलर्ट की सुविधा के सारे खाता धारक चाहे वो किसी भी शाखा के हों उनके अकाउंट में पैसा जमा होने पर या उसकी निकासी होने पर उनके पास एसएमएस जाएगा जिससे उनको होने वाले ट्रांजेक्शन के बारे में पता चलता रहेगा। रिमोट भी है क्या? पत्रकार बंधुओं से बोल रहे थोड़ा स्पेस दे दो जिससे कि वो प्रोजेक्टर पे कार्यक्रम हो पाए। बहुत धन्यवाद साहब आपका, ये बड़ा इस बैंक के लिए बड़ा सुखद दिन है कि आज हम अपना सीबीएस की लॉन्चिंग कर रहे हैं। सरकारी बैंक जो है यह तो गांव की रीढ़ की हड्डी है। इस समय इसको शुरू किया गया था इस अनुमान के साथ खड़ा किया गया था कि गांव का आदमी सीधे इसका लाभ ले सकेगा। बीच में थोड़ा बहुत विश्वास खोया है, उसी विश्वास को अर्जित करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण अंक है कि इसको हम अपने सीबीएस से जोड़ा है। आज आधुनिक युग में सारे बैंक इस प्रकार के हैं कि हम एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, अपने बैंक की जानकारी करते हैं, किसी भी बैंक में खाता ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि ये सारी सुविधाएं हमारे बैंक में नहीं होती तो सारे बैंकों से हम पीछे चले जाएंगे, हम फिर अग्रिम भूमिका में सबके साथ खड़े दिखाई देंगे। इसलिए हमने सीबीएस प्रणाली लागू किया है और उसके कारण जो सारे बैंकों में आधुनिक सुविधाएं होती हैं सामान्य रूप से एटीएम की सुविधा, पैसे के ट्रांसफर की सुविधा, ये सारी सुविधाओं का इजीली हम प्राप्त कर सकेंगे यूपी में। लेकिन 16 वे बैंक जिन्होंने विश्वास खो दिया था, बैंक का अर्थ ही होता है विश्वास। पैसा जब कोई जमा करता है तो इस भाव से जमा करता है उसकी गर्ज होगी तो हम पैसा देंगे। ये 16 बैंक इस स्थिति में नहीं विश्वास खो दिए, उन 16 बैंकों का विश्वास अर्जित करने के लिए हम बढ़ रहे हैं। उसमें से आज ये नवा बैंक है जिसका हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। अब मात्र 7 बैंक बचे हैं, उनको भी इस कैटेगरी में हम जाकर खड़ा कर देंगे। अभी तक हमारा ये था जब हम लोग आए थे उस समय हमारी स्थिति थी कि हम पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आते आते हम लोगों ने योजना बनाई कि प्रत्येक 3 महीने में हम 5% देंगे। हालांकि वो बहुत छोटा था, विश्वास तो भी जगना आसान नहीं था, लेकिन आदमी को लगा जो बिल्कुल नकारा था वो कम से कम इस लायक हो गया कि कुछ देने लगा। आज की स्थिति में 8 बैंक हमारे ऐसे हैं जिसपे ऑन डिमांड हम पैसा देते हैं और 8 बैंक ऐसे हैं जिनमें 5% प्रतिमाह देते हैं और करने जा रहे हैं इनको 10% प्रतिमाह की ओर बढ़ रहे हैं। जिस दिन इनको 10% प्रतिमाह के लिए 8 बैंक में आ जाएंगे इनको भी उस कैटेगरी में लेकर खड़े हो जाएंगे कि ये ऑन डिमांड उसका पैसा वापस करें। आज 2.5 करोड़ रुपया यहाँ जो सब्सिडी उसका मिला है ऋण मोचन का, वह भी उसके भी सर्टिफिकेट यहाँ हम लोग बांटे रूप से बहुत हुआ है। और तभी तो ये 16 बैंक जिनको हम कह रहे हैं कि इनका लाइसेंस जब्त हो गया, एक घाटे में चले गए, उनका मेन कारण यही था कि जो जिम्मेदार लोग थे, माने चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे ऊपर बैठा हुआ अधिकारी हो, चाहे राजनीतिक तत्व का व्यक्ति हो, जो भी थे सबके सहयोग से एक नई एक चीज़ खड़ी हुई कि पैसा दूसरे का गया हमारे जेब में, जो उसके कागज मेंटेन करने थे वो हमने दाहिने बाएं मेंटेन कर लिए। उन्हीं सबसे अलग हटकर हम इस नए तंत्र को लाना चाहते हैं, विश्वास अर्जित करना चाहते हैं और बीच में जिन लोगों ने गड़बड़ किया है किसी को नहीं बख्शेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई। पीपीगंज थाना क्षेत्र में 6 अप्रैल को ही महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी लवकुश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन में घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंपियरगंज आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतका के पति की मौत कुछ सालों पूर्व ही हो गई थी। पति की मौत के बाद उसका संबंध गांव के ही एक युवक अजीत गौड़ से हो गया। कुछ दिनों बाद वह भी विदेश कमाने चला गया। उसके बाद उसका संबंध लवकुश यादव से हो गया और वो शादी का दबाव बनाने लगी।
इसी दौरान उसका पहला प्रेमी विदेश से वापस आया और महिला उससे मिलने जुलने लगी, जिसके कारण लवकुश को ईर्ष्या होने लगी और उसने तबस्सुम निशा की हत्या कर दी। एसएसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष पीपीगंज देवेंद्र कुमार सिंह ने रविवार को हत्यारोपी युवक लवकुश यादव पुत्र विष्णुदेव यादव निवासी हरपुर टोला थाना पीपीगंज को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करके उससे पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल गमछा बरामद किया है। घटना के त्वरित खुलासा करने पर एसएसपी शलभ माथुर ने पूरी पुलिस टीम को 5,000 रुपये नगद इनाम भी दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कंपेयरगंज आशुतोष कुमार ने बताया, दिनांक 6 अप्रैल को पीपीगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में एक महिला का शव बरामद हुआ था। जांच से ये पता चला कि महिला की जो हत्या है उसके जानने वाले ने किए, उनमें नेम्ड एफआईआर हुई थी। आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार जो है उसका नाम लवकुश यादव है, जो हरपुर टोल बंजारा टोला का रहने वाला है, पीपीगंज थाना अंतर्गत ही। इस संबंध में जब सूचना पता की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि महिला की शादी 25 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके पहले पति की मृत्यु हो गई, उससे एक बच्चा था। उसके बाद उसकी दूसरी शादी हुई, वह पति उसको 10 वर्ष पहले छोड़ के जा चुका था। इस दौरान महिला के संबंध एक अजीत कौर नाम के व्यक्ति से हुई और इससे इसके संबंध चल रहे थे। 2 वर्ष पूर्व यह व्यक्ति दुबई चला गया था। इस दरमियान महिला यहाँ अकेले रहती थी। विगत तीन चार माह के अंतर्गत उसकी लवकुश यादव से जान पहचान हुई और नज़दीकियाँ बढ़ी। इधर जनवरी माह में जो इसका पुराना जो साथी था अजीत गौर, वो जब वहाँ से लौटा विदेश से, तो पुराने संबंध ताजा हुए। तो इस चीज़ को लेकर इस जो नए वाला जो लवकुश यादव था, इसमें आक्रोश पैदा हुआ और उसी के आक्रोश में इसने बाजार से ले जाकर विश्वास में ले गया वहाँ पे, और दुपट्टे से गला घोट कर तैबनुशा की हत्या कर दी। कहने गए थे कि महिला जो थी भावुक थी इसके साथ रिलेशन को लेकर, लेकिन जब उसका पुराना साथी आया है तो उसमें चूँकि वह पहले से उससे ओब्लाइज रह चुकी थी, वो उसका वहाँ से कोई खर्च पानी चलाता था, इस वजह से उसके सामने इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसी दबाव में ये भी कह रही थी, लेकिन अंततः इसने आक्रोशित होकर लवकुश ने उसकी हत्या कर दी है। पेपर पर दिए थे, जीएसटी देते थे सर। 8 अप्रैल की मध्य रात्रि से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और चालक परिचालकों की होने वाली हड़ताल को प्रदेश सरकार ने समझौता करके विराम लगा दिया है। रविवार को शासन स्तर पर 5 सूत्री मांगों को लेकर समझौता हो गया, जिससे रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और चालक परिचालक संघ ने हड़ताल स्थगित कर दी और अपने कार्य को पूर्वतः सुचारू रूप से करते रहेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा मंत्री अजय कुमार ने कहा, उसमें सरकार से समझौता हुआ है शासन स्तर पर प्रमुख सचिव से, हमारी मांगे सकारात्मक ढंग से मान ली गई है। उसमें कर्मचारियों की जो समस्याएं थी वो भी दूर की गई है। जिसमें कुछ मांगे है स्पष्ट आ गया है, जियो उसको बता दे रहे हैं। पहला है 7% डीए का इस माह वेतन में लग जाएगा। 7वां वेतन मान का भी बोर्ड में बैठक करके उसको पास कर देना है। संविदा कर्मचारियों के लिए है न्यूनतम वेतन 17,000 सरल करके उसको भी शासन स्तर पर वो कर दिया गया है, और 14,000 वेतन सभी संविदा कर्मचारियों को फिक्स कर दिया गया है। 2001 से संविदा कर्मचारी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको रेगुलर करने के लिए शासन स्तर पर अगले बोर्ड की बैठक में पास करके उसको भी प्रस्ताव हो जाएगा पास। इन्हीं सब ACP भी लागू कर दिया जाएगा, रोक लगी थी उसको चालू कर दिया जाएगा। मृतक आश्रित को अब संविदा पर नहीं रखा जाएगा, उनको रेगुलर किया जाएगा। नान पढ़े लिखे जो मृतक आश्रित हैं, जैसे मृतक आश्रित में कुछ पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो उनको बंद कर दिया गया था बीच में, फिर चालू करने का उसमें शासन स्तर पर आश्वासन मिला है कि हम मृतक आश्रित को भी अब भर्ती कर देंगे। इन्हीं सब मांगों के साथ हड़ताल आज वापस हुआ है। प्रांत स्तर से जो हमारे प्रदेश महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज कहा है कि हड़ताल स्थगित कर दी गई है, आप लोग सुचार की भांति परिवहन निगम में कार्य करते रहिए। परिवहन निगम की उन्नति के लिए हम लोग कार्य करेंगे हमेशा, हमारे संगठन में जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसी अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं, यही हम लोग के संगठन की है।
जनपद एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर में निर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो में रविवार को जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता त्रिपुरारी मिश्रा नोडल अधिकारी कंप्यूटर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव चंद्र शुक्ला, न्यायाधीश चंचल, तकनीकी सहायता देने वाले सिस्टम अधिकारी प्रमोद कुमार यादव एवं सहायक सिस्टम अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा सहित सभी न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किया जा रहा है। नोडल ऑफिसर के पद पर होने के कारण मुझे इस कार्यक्रम का प्रशिक्षक बनाया गया। मुझसे ज्यादा योग्य है, अनुभवी है और अधिक ज्ञान रखते हैं। त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कर दें और त्रुटि सुधार कर दें। में जितनी समर्थ और परिचित है, जिस संस्था ने विज्ञान और तकनीक को अपनाया है वही संस्था समाज में प्रासंगिक रह गई है और जो संस्थाएं इसमें पीछे छूट गई। पहले हम विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र व्यवहार करते थे, बाद में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट और बहुत सारे माध्यम हैं, ईमेल और पत्र व्यवहार केवल ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ही रह गए हैं। प्रशासन रूपी संस्था है, उसमें आधुनिक विज्ञान, भारत में जो न्याय प्रणाली है उसको किस प्रकार अधिक से अधिक तकनीक उन्मुखी बनाते हुए त्वरित न्याय प्रदान किया जाए। भारत की जो न्याय प्रणाली है वो न्यायालय आधारित न्याय प्रणाली पर कार्य करती है और भारत में एडवर्सियल सिस्टम को अपनाया गया है। एडवर्सियल सिस्टम की खासियत यह होती है कि इसमें जो न्यायाधीश होता है वो अधिकांश मामलों में एक न्यूट्रल रोल अदा करता है और न्यायालय के सामने दो पक्षकार होते हैं जो सार्वान विधि के अंतर्गत जो भी अधिकार या दायित्व है उनके संबंध में दावा करते हैं और वो अपने दावों को जो प्रोसीजरल लॉ का मैकेनिज्म दिया गया है उसके अनुसार साबित करते हैं, चाहे वो ओरल एविडेंस हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। इस सिस्टम के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीश, दोनों पक्षकार और उनके गवाह एक जगह पर उपस्थित हों। जब ये सभी चीजें एक जगह पर उपस्थित होती हैं तभी जो है न्याय प्रणाली कार्य कर सकती है। एक या अधिक से एक अधिक व्यक्ति ऑडियो वीडियो संचार माध्यमों से स्क्रीन पर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, उपस्थित है उससे आप बात कर सकते हैं, उसकी भाव भंगिमाएं जो डेमनर है वो नोट कर सकते हैं, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और इस तकनीक के माध्यम से जो न्याय प्रणाली के सभी पक्षकार हैं वो दूर बैठे हुए भी एक जगह पर एकत्रित हो सकते हैं। अभी जो भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आपराधिक न्याय प्रणाली में सीमित प्रयोग हो रहा है, सिविल मामलों में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। आपराधिक न्याय प्रशासन के जो दो सुस्थापित सिद्धांत हैं कि किसी भी व्यक्ति को तब तक निरपराध माना जाता है जब तक युक्त संदेह से परे साबित न कर दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को फेयर ट्रायल और प्रतिरक्षा का अवसर, पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए और इन्हीं सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रक्रियात्मक विधियां हैं चाहे वो दंड प्रक्रिया संहिता है इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में तो उनमें भय का माहौल बनता है या हो सकता है कि कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करने से ट्रायल में आसानी हो सकती है। सहकारिता मंत्री ने रविवार को सर्किट हाउस सभागार में पीसीएफ एवं पीसीयू के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद में बिचौलियों की नो एंट्री होगी। अगर कहीं बिचौलियों के माध्यम से गेहूं खरीद की सूचना मिलती है तो कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि एजेंसी के माध्यम से इसकी रिपोर्ट लेते रहें, इसके लिए गेहूं खरीद सीधे किसानों से की जाए। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य लाभ हानि का नहीं बल्कि उद्देश्य यह है कि किसानों को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। 1700
735 रुपए प्रति क्विंटल के दर से किसान के खाते में धनराशि गेहूं खरीद के बाद स्थानांतरित कर दी जाए। प्रदेश सरकार का उद्देश्य किसान के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। उन्होंने निर्देश दिया कि गेहूं क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों को छाया एवं पेयजल की भी सुविधा मिलेगी, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, गेहूं खरीद के लिए अनावश्यक परेशान ना किया जाए। किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर भी अधिकारी और कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोरा, रुपया, झरना, नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक काटा की भी कोई कमी नहीं है। किसानों को इसकी सुविधा प्रदान की जाए, अच्छा वातावरण सृजित किया जाए। सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, कोई भी किसान गेहूं खरीद से वंचित नहीं रहेगा। समीक्षा में उन्होंने पाया कि गोरखपुर मंडल में पीसीएफ के 281 तथा पीसीओ के 52 केंद्र खोले गए हैं। पीसीएफ का गेहूं खरीद का लक्ष्य 1.45 लाख मैट्रिक टन और पीसीओ का 52,000 मैट्रिक टन है। अभी तक मात्र 1150 मैट्रिक टन ही गेहूं खरीदा जा सका है। मंत्री ने निर्देश दिया कि अप्रैल 15 तक गेहूं की खरीद में तेजी लाएं, इसके लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। रविवार को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था कि आज की शिक्षा बिकाऊ शिक्षा हो गई है और विद्यार्थी अपने मूल उद्देश्यों से भटक गए हैं, जिसके लिए उन्हें बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से उनके विचारों को अवगत कराना होगा। संगोष्ठी में बुद्ध के विचारों की चर्चा की गई और लोगों ने अपने अपने विचार से भगवान बुद्ध की बातों को रखा। राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर शैलेश प्रताप सिंह और विश्वविद्यालय और आसपास के महाविद्यालयों के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और बैल लगाकर महाविद्यालय में सुंदर आप घूमने को आएगा वर्गों को प्राप्त था, जिन ऊंचाइयों को प्राप्त था, जिसके संबंध में एक खास सच के लोग, एक खास वर्ग और तबके के लोग कहते हैं कि हम पूरी दुनिया पर जो अपना पराक्रम स्थापित करना चाहते हैं, शांति स्थापित हो, पूरी दुनिया में वैमनस्य दूर हो, पूरी दुनिया में लोगों के बीच अंतरात्मा का जागरण हो और वो शब्दों के बल पर नहीं, अध्यात्म के दम, चिंतन के दम, मनन के दम, धन के दम। तो मुझे लगता है मित्रों, आज की संगोष्ठी का एक बाई प्रोडक्ट यह हो सकता है कि हम कुशीनगर में सेमिनार करें, दिग्विजयनाथ कॉलेज में करें, बुद्ध को किसी क्षेत्र, किसी संस्था, किसी संकाय तक तो सीमित किया ही नहीं जा सकता है। संपूर्ण मानवता के लिए उन्होंने दर्शन दिया है और पूरे एशिया में, पूरे विश्व के लिए दिया है। हम इस सेमिनार को यहाँ संपन्न करके एक चीज तो कर सकते हैं कि केवल मंचों पर नेताओं के भाषणों से भारत माता पुनः उस परम वैभव को प्राप्त नहीं करेगी। हम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के अगर फिर उस रास्ते पर चले तो हम अपने परम वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। ये संगोष्ठियां उसमें सहायक सिद्ध हो सकती हैं, उसका बायस बन सकती हैं, उसका माध्यम बन सकती है। संघम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, इतना कहने मात्र से जिस शांति का अनुभव हम सब लोगों को हो रहा है, यदि भगवान बुद्ध की उनके द्वारा दी गई अष्टांगिक मार्ग थे, उनके द्वारा दिए गए चार आर्य सत्य से यदि उसका अनुसरण
हम अपने विद्यार्थियों के द्वारा करवा सकने में समर्थ हो सके या उसका कुछ अंश भी शिक्षक और छात्रों के जीवन में अवतरित करने का प्रयास कर सकें, तो कितनी अधिक शांति, परम शांति और जिस समस्या से इस समय हमारा विश्व व्याप्त है, चारों तरफ अशांति का भाव है, वो कितनी आसानी के साथ दूर हो जाएगा। क्या हम इसे करने में समर्थ हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है ही नहीं जो कि इन महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने में अपने को समर्थ कर सकने में अभिभूत हो सके, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने। चलिए ब्रेक में जाने से पहले दोबारा नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक के CBS एवं कंप्यूटरीकरण का सहकारिता विभाग मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने किया शुभारंभ। पीपीगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का CEO कैंपियरगंज ने किया खुलासा, कहा अवैध संबंध बना हत्या का कारण। राज्य सरकार से रोडवेज कर्मियों का हुआ समझौता, रविवार के मध्य रात्रि से चक्का जाम का फैसला लिया वापस। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के संबंध में आयोजित हुई एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। सहकारिता मंत्री ने किया PCF एवं PCU के अधिकारियों के साथ बैठक, कहा गेहूं खरीद में बिचौलियों की है नो एंट्री। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ, बुद्ध के विचारों पर की गई चर्चा। अखिल भारतीय सहकार भारती के तृतीय प्रदेश अधिवेशन में पहुंचे सहकारिता विभाग के मंत्री, बताई सहकार भारती की विशेषताएं। स्थानीय मैरिज हॉल में हुआ सवर्ण समाज का सम्मेलन, बुद्धिजीवियों ने रखे आरक्षण पर अपने अपने विचार। नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों ने दिमागी बुखार 9 की बीमारी से बचाव के लिए चलाया जन जागरण अभियान, निकाली मोटरसाइकिल रैली। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, अभ्यर्थियों ने कहा प्रश्न पत्र रहा स्तरीय। चिलुआताल थाना क्षेत्र में शनिवार को रामपुर में हुई युवक के हत्या, आरोपियों के करीब पहुंची पुलिस, CEO कैंपियरगंज ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। और जिला फुटबॉल संघ की बैठक में आगामी सत्र में आयोजित होने वाले फुटबॉल लीग मैच के सफल आयोजन की बनाई गई रणनीति। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर तरंग चौराहे में अखिल भारतीय सहकार भारती अधिवेशन में पहुंचे सहकारिता विभाग के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सहकार भारती पर विचार व्यक्त किए। अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने सहकार भारती की विशेषता और नीतियों को बताया।
अधिवेशन में पहुंचे सहकारिता विभाग के मंत्री का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर और बैच लगाकर किया गया। इस मौके पर सहकार भारती के पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंत्री सहकारिता विभाग मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया, सहकार की इस दुनिया में सहकार के एक अद्भुत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष जी और रणजीत जायसवाल साहब, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधुगण भगिनी, यह आज विचार का अवसर है। दो दिन से चल रहे इस कार्यक्रम चर्चा विमर्श, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई होगी। हम तो एक विभाग की मंत्री हैं, इस नाते मैं विशेष रूप से उस विभाग ने इसके साथ क्या दायित्व जोड़कर कैसे हम आगे बढ़े हैं, इस संबंध में अपनी बात रखना चाहेंगे। किंतु उससे पहले एक विषय बहुत स्पष्ट है कि सरकार के साथ जो निकल कर आएगा आदमी बहुत कुछ लोगों का सहयोग तो ले लेगा, लेकिन उसका नीत तो नहीं समझ पाएगा, आशय नहीं समझ पाएगा। इतना सारा लोगों से लेने के बाद, सब बटोरने के बाद, इसका हम उपयोग क्या करें। वास्तव में सहयोग सबसे लेना, लेकिन सहयोग लेने के बाद वह सारा सहयोग अपने लिए रंच मात्र नहीं, अपने लिए उतना ही है जितना कि हम समाज के अंग हैं, उस समाज में जो हमारा प्रतिनिधित्व है, जो स्तर है, उतना ही अपना है। और यह हमारा नहीं, यह मूल हमारे सारे शास्त्रों का सबके मूल सोच में है। कभी भी हमने ये कल्पना नहीं किया कि हम अपने लिए कुछ करें, सहकार भी समाज के लिए हमारी मूल धारणा में ही है। मैं के शब्द से आगे हटते हैं सरकार में, और मैं के शब्द से हटने के लिए कोई उदाहरण की आवश्यकता हो, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने छद्म का प्रयोग नहीं किया। दोनों पक्षों ने विशुद्ध भाव से छद्म का प्रयोग किया है, दोनों लोगों ने विभिन्न प्रकार के ऐसी युक्तियां युद्ध में अपनाई है जो नहीं अपनाई जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक को श्रेष्ठ और एक को अश्रेष्ठ कहते हैं। उस श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ के कहने के पीछे जो हमारा मूल तत्व है, वह एक वर्ग है जिसने मैं को अलग हटाया और दूसरा जिसने मैं को जोड़ा, कहा यह मेरी प्रतिज्ञा है, ये मैंने तय किया है, ये मेरा विश्वास है, मेरा जो है उससे बड़ा समाज नहीं है, इस प्रकार का एक ग्रुप ने तय किया वह कौरव ग्रुप, और दूसरा ग्रुप उस ग्रुप ने तय किया मैं। यदि तुम्हारे पास मैं है और वह मैं सात्विक प्रवृत्ति का है तो भी उस मैं को छोड़ो। आप कल्पना करो युधिष्ठिर ने क्या सोचा था, कहा था जिंदगी भर सत्य बोलेंगे। प्रतिज्ञा किसकी थी, उनकी खुद की थी, मैं की प्रतिज्ञा थी, मेरी प्रतिज्ञा थी, और मेरी प्रतिज्ञा समाज के सामने आए, कितने भी बड़े प्रतिज्ञा हो, कितने भी सात्विक प्रतिज्ञा हो, समाज के सामने छोटी है, या हमने तय करके दिखाया और उसको करवाने के लिए कौन खड़ा हुआ। जो उनके सामने नायक की भूमिका में थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, मैंने कहा है मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं, मैं अस्त्र उठा रहा हूं। इसलिए समाज के लिए जो अपना मैं छोड़ देगा और कहेगा मेरी सात्विक प्रतिज्ञा भी की है समाज के सामने, तब आगे बढ़ेगा। आज सहकारिता उस ही विधा का एक अंग है। इस सहकारिता में भी हम बिना किसी का साथ लिए रंच मात्र आगे नहीं बढ़ सकते, किंतु जब हमने शुरू किया, सबका साथ लिया, और सबका साथ लेने के बाद सबका भला नहीं किया, तो सहकारिता आंदोलन एक दूसरी दिशा में बढ़ गया, अपराध की दिशा में बढ़ गया। उत्तर प्रदेश सहकारिता जब इनके पूर्वधाओं ने शुरू किया था,
निश्चित रूप से मन बड़ा पवित्र था, कार्य पवित्र था, रचना पवित्र थी। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के पता नहीं कितने प्रदेशों में यह साकार रूप ले रहा है और इतना अच्छा और इतना सफल है कि उसको उदाहरण दुनिया भर में लोग देते हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण डोली लेते हैं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण केवल इसलिए नहीं देते, हमने मूल चिंतन में और सबको ठीक रखा, नहीं ठीक रखा तो केवल ये जो सबका सहयोग लेंगे वह सबके लिए नहीं अपने लिए लेंगे। और उसका परिणाम क्या होने लगा, चाहे हम कर्मचारी थे, चाहे हम अधिकारी थे, चाहे किसी दायित्व पर बैठे हुए नेता, सबने सोचा ये हमारे जेल में कैसे जाए। फर्जी खिसरा की टोनी बनने लगी, फर्जी रिकॉर्ड बनने लगे। परिणाम क्या हुआ, सहकारिता आंदोलन मूल से पीछे हट गया। और जब मूल से पीछे हटता है तो सबसे बड़ी बात होती है विश्वास टूटता है। इस सहकारिता आंदोलन में बहुत सारे हैं, उनमें से एक उदाहरण दे दें आपको, कोऑपरेटिव बैंक। उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक मूलतः रीढ़, ये कहते हैं कि मनुष्य के अंग में जैसे पसलियां महत्वपूर्ण है, ऐसे इसकी साधन सहकारी समितियां महत्वपूर्ण। ये साधन सहकारी समितियां थी, ये वे अवयव थे जिनके बल पर सीधे किसान वहां से जुड़कर और अपने जीवन को सफल बना सकता। हमने वहां से शुरू किया लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, हमने विश्वास तोड़ दिया। और विश्वास टूटने का क्रम यह हुआ, उत्तर प्रदेश के 16 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के 16 बैंकों ने दूसरों का 68 करोड़ रुपया, 78 करोड़ रुपया, 88 करोड़ रुपया, 86 करोड़ रुपया अपने पास सुरक्षित रख लिया और एक पैसा वापस करने की क्षमता नहीं थी, सब अपने पर खर्च कर दिया। जब उस बेचारे ने विश्वास करके हमको दिया था, विश्वास कितना बढ़ा। हमने उस समय कहा था ये 16 बैंक एक काम करें, एक महीने के अंदर हम सब नहीं दे सकते, 5% 3 महीने में वापस करेंगे। बड़ी छोटी बात है, हर आदमी को लगता था ये क्या है, हमारा करोड़ों जमा है, तीसरे महीना 5% आप देंगे क्या होगा। इस मंदिर का जब हम गोरखपुर में खड़े होते हैं तो आदरणीय मठ का भी 3 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव के पास जमा था। इसकी भी सिचुएशन हम लोगों ने प्रारंभ में कहा कि हम 5% को तीसरे माह कहेंगे देंगे, तो भले ही बहुत छोटा था लेकिन एक मंत्र था ये देनदारी स्वीकार करके देनदारी की ओर बढ़ चले। जहां आदमी सोचता था देनदारी की ओर बढ़े ही नहीं रहे, वहां एक प्रवृत्ति आ गई, नहीं इनका देने का मन है, जितना बन पा रहा है उतना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ, आज 16 में से 8 बैंक ऑन डिमांड आपका पैसा जमा है, जब आप कहो तब आओ अपना पैसा ले जाओ। और बाकी 8 बैंक 5% प्रतिमाह दे रहे हैं और बहुत जल्दी 10% प्रतिमाह करने जा रहे हैं, ताकि विश्वास पूरा ये रहे आपका पैसा वापस नहीं जाएगा, आपका पैसा मारा नहीं जाएगा। और उस विश्वास की कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो हम विश्वास की कड़ी में इतना आगे बढ़े कि आज कोऑपरेटिव बैंक जो लगातार घाटों के होते थे, उदाहरण है 2013 में केवल कोऑपरेटिव बैंक ने एक विशेष अभियान चलाकर 40 करोड़ रुपया कमाया था। और इस बार तो कोई अभियान नहीं चलाया, इस बार जो ऋण मोचन का है वो बैंकों के और कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलाभकारी होता है, एक दिशा में वसूली नहीं होती, ऋण वापसी नहीं होती, तो भी हमने 50 करोड़ का मुनाफा कमाया है, 50 करोड़ का। ये हमारी तैयार करके सहकार भारती कार्यक्रम है, यहाँ सहकार भारती जो है वह हम आप जानते हैं
है कि दुनिया का सारा काम सहकार से हो सकता है। सहकार भारती का मत है, बिना संस्कार के सहकार बेकार है। उस संस्कार के लिए ही इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और हमारा सहकार अपने लिए नहीं है, हमारा सहकार समाजोन्मुखी है, ये हमारी उसके पास सोच है। आज हमने बैंक में अपने यहाँ कंप्यूटराइजेशन हुआ है गोरखपुर बैंक का, और यहाँ जो ऋण इनका लघु सीमांत ऋण वाले थे, ऐसे 5 लोगों को आज 2.5 करोड़ रुपया यहाँ बटा है गोरखपुर में। और साथ ही साथ जो नए खाते खुले हैं सीबीएसई से नए खाते भी खुलवाए गए। यहाँ के कार्यक्रम में तो हमने आपको बताया, यह दो दिवसीय कार्यक्रम है और यह संस्कार का कार्यक्रम है। हम यहाँ धारणा है संस्कार के द्वारा जो सहकार होगा वह समाजोन्मुखी, समाज तभी खड़ा हो सकता है जब संस्कारवान सहकार हो। रविवार को एक स्थानीय मैरिज हाउस में सवर्ण सेवा संस्थान द्वारा सवर्ण समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष पंडित चंद्रभान त्रिपाठी के अलावा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में महिपाल शाही का संस्था के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। तत्पश्चात स्वर्ण समाज से जुड़े बुद्धिजीवियों ने आरक्षण पर हो रहे दुरुपयोग को बताते हुए आरक्षण किसे मिलना चाहिए और इस पर अपने अपने विचार रखे। सम्मेलन में स्वर्ण समाज से जुड़े कई गणमान्य अतिथिगण और सदस्य मौजूद रहे। आरक्षण समाप्त नहीं होगा,
यह नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा। हर वर्ग में, हर जात में, हर तबके में गरीब है। उस गरीबों को सबसे पहले तो यह होना चाहिए, आरक्षण एक में होना चाहिए। वो पढ़ाई में, विद्यार्थी जीवन में उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा दे करके उनको अच्छे स्थान पहुंचाना चाहिए, जो हमारे किसी भी जात के गरीब वर्ग के लोग हों। रविवार को नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों ने चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर के डॉक्टर संजीव गुलाटी के नेतृत्व में दिमागी बुखार से बचाव के लिए मलिन बस्तियों में जन जागरूकता का अभियान चलाया। इसके तहत मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए सुझाव दिए और मोटरसाइकिल रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर डॉक्टर संजीव गुलाटी और डिविजनल वार्डन अखिलेश ओझा ने बताया। जैसा कि आप ये रैली है, झटका भी आता है कि छोटे बच्चों के लिए इंसेफ्लाइटिस से मुक्त करने का एक अभियान 2 अप्रैल को मैक्सिमम इंसेफ्लाइटिस से क्वेश्चन भर्ती। आप उसको हाथ उठाकर कहेंगे साफ सफाई आज सिविल डिफेंस गोरखपुर के नगर नेतृत्व के तत्वावधान में सिविल लाइंस प्रखंड द्वारा इंसेफ्लाइटिस के विरुद्ध जन जागरण रैली निकाली जा रही है। इसमें हम लोग लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे कि ये बीमारी साफ सफाई से और कुछ जीवन यापन में अपने दिनचर्या में परिवर्तन ला करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह से लिया है, इंसेफ्लाइटिस को यहाँ से दूर भगाने का जो उनका दृढ़ निश्चय है, उसमें हम सिविल डिफेंस के वार्डन बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और आज के ये प्रथम चरण है जो आज हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें हम लोग मोटरसाइकिल रैली और हमारे कैंप्स लगे हैं जो ऐसे एरिया में जो अफेक्टेड हैं इंसेफ्लाइटिस से, उन इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड एरियाज में हमारे वार्डन हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम लोग उनका इंसेफ्लाइटिस से बचने का, इसकी रोकथाम का प्रचार प्रसार करेंगे। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा रविवार को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में संपन्न हुई, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दी है। आपको बताते चलें कि ये परीक्षा 2 पालियों में हुई थी, जो महानगर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित की गई। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए और विद्यालय में परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी के मोबाइल को ले जाने के लिए परीक्षा प्रशासन द्वारा रोक भी लगाया गया था। इसी के साथ ही हर कमरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थियों ने कहा, हाँ तो
पूछे मुझसे थे और विशेषण विशेष से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। एकदम अच्छा, अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत अच्छे तरीके से हो भी रहा है। हाँ, बहुत अच्छे से हम लोग समय से एग्जाम अच्छे से दिए हैं, पेपर अच्छा आया था, दीदी ने बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत अच्छा गया, बहुत बहुत आसान आया हुआ था, पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है बहुत आसान आया हुआ था। क्या लग रहा है? लग रहा है कि निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। सर पेपर बहुत बढ़िया बना सर, अच्छा हुआ अभी हम। चिलवाताल थाना क्षेत्र के रामपुर में युवक की हत्या के खुलासे के करीब पुलिस पहुंच गई है। चिलवाताल थाने में मृतक के परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतक के परिजन द्वारा कराए गए नामजद मुकदमे के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सीओ कैंपियरगंज ने आगे बताया। वादी की तहरीर पर नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में 5 टीमों का गठन किया गया है, जल्दी हम दोषियों को पकड़ के पकड़ लेंगे। मुकदमा नामजद हुआ प्रारंभ की तलाशी में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्दी हम टीम बना के टीम में उनका खुलासा कर लेंगे। जिला फुटबॉल संघ की बैठक पीडब्ल्यूडी के संघ भवन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के सचिव हमजा खान ने की। बैठक में आगामी सत्र 2018-19 में होने वाले फुटबॉल लीग मैच की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ ही पूरे वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इस दौरान संघ के उपाध्यक्ष डेविड सीरियल, संजय साहनी, फरुकुद्दीन महताब अहमद, नसीम गौतम सरकार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के सचिव हमजा खान ने बताया। आयोजित की गई वार्षिक बैठक है और वार्षिक आज आपके करना मैं बहुत सकता युवा ट्रिब्यूट जिनका बहुत ही फॉर्म के लिए गोरखपुर के लिए प्रदूषण रहता है, चाहे वो मेयर हो या फिर और बड़े ही लोग में वो गार्डन में वो मौजूद रहते हैं हमारे लिए। जिला फुटबॉल संघ गोरखपुर के तत्वाधान में ये बैठक आगामी सत्र 18-19 के लीग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु उसकी क्या रूपरेखा होगी तैयार करने के लिए हमने सभी क्लब और अपने पदाधिकारियों को सभागार में बुलाया था और सभी उपस्थित हुए, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और हम कैसे सफलतापूर्वक लीग को संचालित कर सकेंगे 18-19 में उसकी रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। जिला सहकारी बैंक के CBS एवं कंप्यूटरीकरण का सहकारिता विभाग मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने किया शुभारंभ। पीपीगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का सीओ कैंपियरगंज ने किया खुलासा, कहा अवैध संबंध बना हत्या का कारण। राज्य सरकार से रोडवेज कर्मियों का हुआ समझौता, रविवार के मध्यरात्रि से चक्का जाम का फैसला लिया वापस। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के संबंध में आयोजित हुई एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। सहकारिता मंत्री ने किया PCF एवं PCU के अधिकारियों के साथ बैठक, कहा गेहूं खरीद में बिचौलियों की है नो एंट्री।
दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ, बुद्ध के विचारों पर की गई चर्चा। अखिल भारतीय सहकार भारती के तृतीय प्रदेश अधिवेशन में पहुंचे सहकारिता विभाग के मंत्री, बताई सहकार भारती की विशेषताएं। स्थानीय मैरिज हॉल में हुआ सवर्ण समाज का सम्मेलन, बुद्धिजीवियों ने रखे आरक्षण पर अपने अपने विचार। नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों ने दिमागी बुखार नौ की बीमारी से बचाव के लिए चलाया जन जागरण अभियान, निकाली मोटरसाइकिल रैली। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, अभ्यर्थियों ने कहा प्रश्न पत्र रहा स्तरीय। चिलुआताल थाना क्षेत्र में शनिवार को रामपुर में हुई युवक के हत्या, आरोपियों के करीब पहुंची पुलिस, सीओ कैंपियरगंज ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। और जिला फुटबॉल संघ की बैठक में आगामी सत्र में आयोजित होने वाले फुटबॉल लीग मैच के सफल आयोजन की बनाई गई रणनीति। इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। नमस्कार।